हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि काफ़ी दिन से यूट्यूब की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? पहले मैं मम्मी की तबीयत ख़राब थी, देन मैं बिज़ी हो गई थी किसी काम में। सुबह से शाम तक आप उस काम में रहोगे तो क्लासेस भी लेनी है, फिर काम भी है, तो रात को थकान इतनी हो जाती कि नहीं ले पाती थी क्लास YouTube वाली। ठीक है, तो वो जल्दी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगी, कराऊंगी, जल्दी शुरू कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही मुझे फ्री टाइम थोड़ा सा मिलता है। अभी एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी है तो ज़्यादा फोकस उसी पर है थोड़ा सा, तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, और फिर जो क्लासेस हैं वो भी हैं, तो इस वजह से यूट्यूब पर नहीं करा पा रही हूँ। तो थोड़ा ये चीज़ है कि अगर आप किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होनी ही होनी है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, मैंने भी सोचा था, मैंने कहा रेगुलर 9 बजे वाली क्लास चलती रहेगी, लेकिन बीच में कुछ भी हो, चाहे आप किसी की तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ और हो, अभी भी मुझे फीवर, रात भी फीवर था, अभी भी है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप ही अपनी तैयारी कर रहे हो तो आपकी कंटिन्यूटी जो है ना वो ब्रेक ज़रूर होगी। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रेगुलर, अगर आप 8 घंटे आज पढ़े हैं तो कल भी 8 घंटे पढ़ोगे, परसों भी 8 घंटे पढ़ोगे, डेली आप 8 घंटे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी इंसान हो। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि डेली आप पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ पाओगे, किसी दिन 3, किसी दिन 4, तो वो फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि आप डेली 4 घंटे 5 घंटे, वो काम सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो अकेला रहता है और जिसके पास कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पढ़ना पढ़ना है, वो इंसान तो कर सकता है कि डेली से 5 घंटे देने ही देने हैं, वो कर सकता है अकेला। लेकिन जिसके पास और बहुत सारे काम है, जैसे मैरिड लेडीज़ हो गई, या फिर जिन्होंने स्कूल्स ज्वाइन किए हुए हैं, या कुछ लोग मेरे जैसे भी हो सकते हैं, है ना, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी रेगुलरिटी बना के रखो। रेगुलरिटी का मतलब ये है कि आज पढ़े हो, मान लो आपको आज सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ने के मिल पाए तो 2 ही घंटे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको 1 घंटा मिला है तो 1 घंटा पढ़ो, उससे नेक्स्ट डे, मतलब डेली पढ़ो, जितना भी आप टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, बस ये फिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेली इतने ही आवर्स निकाल लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, शादी हो रखी है, बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी है, तो वो सब देखना और फिर अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो बस आप ये करो कि मुझे डेली 1 घंटा देना है या डेली 2 घंटे देना है, आप वो टाइम फिक्स कर दो बस अपना। 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो कैसे ना करके, 2 घंटे भी आप पढ़ सकते हो, 4-4, 5-5 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, कंटिन्यू नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो बस ये करो कि आज मुझे ये वाला टॉपिक अगर मुझे पढ़ना है ना, घंटे छोड़ दो कि मुझे घंटे के हिसाब से पढ़ना है, कि मेरे पास आज सिर्फ मैं 2 घंटे कैसे भी करके निकाल लूँगी, तो मुझे ये वाला सेटुलेशन वाला जो टॉपिक है ये पूरा करना है, तो वो अपना पूरा कर लो। मान लो 3 दिन आपको एक टॉपिक में, अगर आप टॉपिक वाइज ही चलते हो, एक ही दिन एक टॉपिक के लिए आपको 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही टॉपिक के लिए आपको 3 दिन लग रहे हैं तो 3 दिन में आपका वो टॉपिक तो खत्म होगा। अब जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, मान लो वो 1 महीने बाद है, 1 महीने तक आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन एक बार आप अपना सिलेबस, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ज़्यादातर मेरे से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो मैथ्स TGT या PGT वाले होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में अपना सारा सिलेबस कवर अप कर लोगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, रिविज़न हो जाएगा, सब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो या तो ऐसा फिक्स कर लो कि डेली मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, या फिर ऐसा फिक्स कर लो कि मुझे एक टॉपिक 2 या 3 दिन में कंप्लीट करना है, या फिर ऐसा करो कि एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन तो मेरे को करने ही करने हैं डेली, और उसमें से जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होंगे उन क्वेश्चंस को एक कॉपी, अलग से एक रजिस्टर बना लो, उसमें बुक में लिखना शुरू कर दो, उस रजिस्टर में लिखना शुरू कर दो, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, इसका कॉन्सेप्ट मुझको नहीं आता है, और फिर उस रजिस्टर को रिविज़न पर डालो हर संडे, या जब भी आपको टाइम मिले हर 4th डे रिविज़न पर डाल दो उस रजिस्टर को, तो वहाँ से शायद आपका आउटपुट बेहतरीन होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसे आप फॉलो कर सकते हो और शायद आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। मेन चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ रिविज़न है, सिलेबस ख़त्म करना है, फिर रिविज़न है, यही 2 चीज़ें जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में। ठीक है, सेल्फ स्टडी जो होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं आकर के आपको एक पॉइंट पे टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि YouTube से सर्च वर्च करके खुद पढ़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़ दी है, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। इस टाइम मैं गाने सुन रही थी क्योंकि अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे उसको फॉलो करना है,
टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, तीन चीज़ों में से एक चीज़ सोच लो कि या तो मुझे 2 घंटे डेली पढ़ना है, अब 2 घंटे भी किसी का ऐसा होगा आज 2 घंटे पढ़े कल नहीं पढ़ पाए, वो चीज़ भी छोड़ो, आपको बस अपना टॉपिक पकड़ना है, सिलेबस में टॉपिक देखना है और ये टॉपिक कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, चाहे 3 दिन में हो चाहे 4 दिन में। इस प्रोसेस को 6 से 7 महीने आप करोगे ना, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। 2 महीने में किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती, कि बैच जब वो नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी स्टार्ट होती है ना, कभी सिलेक्शन नहीं होता, वैसे कभी भी नहीं होता, कोई इक्का दुक्का ही होगा जो कर सकता है, जिसको पहले से काफ़ी चीज़ें आती होंगी वो, ठीक है। तो यही है कि डेली या तो अपने 2 आवर्स निकालो, 1 से 2 घंटा निकालो, नहीं तो ये सोचो कि मुझे एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक को कंप्लीट करना है 3 से 4 दिन में या 2 दिन में, जितने भी दिन में वो कंप्लीट टॉपिक हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो टॉपिक कंप्लीट होना है, ठीक है। और फिर उसमें से जो भी चीज़ें मुझे लग रही है मुझे नहीं आती है, मुझे उसमें दिक्कत है, तो उनके अपने आप सेल्फ नोट्स बनाओ, लिख करके जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। PDF नोट्स तो मैं भी देती हूँ, लेकिन जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाना छोड़ दिया है या पढ़ते नहीं है खुद से, उनके लिए, जैसे शादी हो जाती है लेडीज़ की तो गैप आ जाता है स्टडी में, उन लोगों के लिए। बाकी जो अपना पहले से ही MSc किया, BSc किया, MSc किया, पढ़ रहे थे तब भी, और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे थे, और फिर क्या कहते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें उन्हें पहले से आती थी, तो वो सिर्फ यूथ की बुक उठाओ और उसमें से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ज़्यादा करो तो यूट्यूब पे जो मेरे सेशंस हैं, यूथ बुक के प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पुरानी बुक से कराए हुए हैं, पेन कॉपी की हेल्प से, पेन और बुक की हेल्प से, तो वहाँ से देख लो उनको, वो शायद आपको काफ़ी हेल्प कर जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें पकड़ लो, या तो अपना डेली आर के सिस्टम से चलो, वो मुझे सही नहीं लगता है, डेली टॉपिक के सिस्टम से चलो कि भाई एक टॉपिक 1 से 2 या 3 दिन जितने भी दिन में पूरा कंप्लीट होता है वो कंप्लीट करो, ठीक है। या फिर डेली 100 क्वेश्चंस लगाओ मिक्स, अगर जिसने सब कुछ सिलेबस आता है डेली 100 क्वेश्चंस मिक्स लगाने शुरू कर दो, ठीक है। मिक्स क्वेश्चंस जब लगाओगे ना तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन लगाओगे, एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक से, एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक से आएगा, तो जब मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 में से 5 आपको आते थे, 5 नहीं आते थे, 5 हो गए अलग अलग चैप्टर के, तो अलग अलग 5 चैप्टर के 5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स अगर वो 5 क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से वो 5 के 5 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उनको नोट कर लो कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, फिर वो रजिस्टर अपना रिविज़न पर डालो। तो यही चीज़ है जो आपको सक्सेस दिला सकती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करो, और ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आपका पूरा स्टडी ख़त्म हो जाएगी, कम से कम 6 से 7 महीने आपको करना पड़ेगा, 6 महीने तो मिनिमम। किसी भी चीज़ का अगर आपको रिजल्ट देखना है ना, तो वो रेगुलर का मतलब कंटिन्यूटी टूटेगी, लेकिन उस चीज़ को आपको मेंटेन करना है, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा चाहे टॉपिक वाइज, चाहे 100 क्वेश्चंस डेली लगाने हैं, 100 नहीं तो 50 लगाओ, 75 लगाओ, जितने आप पॉसिबली कर पाओ, है ना, उतने क्वेश्चन लगाओ। 6 से 7 महीने तक इस चीज़ को फॉलो करो, तब आपको जा करके कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 6 महीने बाद देखोगे यार मैं तो तब से बहुत बेहतरीन हुआ हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, और मतलब पढ़ा तो काफ़ी टाइम से रहे हैं, और जब अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जितना मुझे अब आता है, तो उस पूरी चीज़ों को देख करके मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, मुझे खुद भी पता है ये चीज़, और वही चीज़ है मेरे अंदर जो मुझे आगे ले जा सकती है। इसलिए ये भी चीज़ अपने अंदर ध्यान रखना कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर फॉलो करो अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखो कि भाई 6 से 7 महीने तो करनी पड़ेगी, 1-2 महीने में कोई पेपर क्लियर नहीं होता। ओवर स्मार्ट होते हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना है डेली 8-8 घंटे, वही कर सकते हैं, मैं तो खुद नहीं 8 घंटे पढ़ सकती हूँ, मेरा कछुए वाली चाल वाला हिसाब है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके चलता है सिस्टम, ठीक है। तो आप भी अपना वैसे ही करो, जितना आप कर सकते हो अच्छे से उतना करो, 6 से 7 महीने तक करो। 6-7 महीने अगर आप दोगे, आपको थोड़ा सा 6-7 महीने बाद आपको दिखेगा कि हाँ यार मुझे कितना आता है अब, है ना। और फिर आप जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो फिर उस एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से कर पाओगे, काफ़ी चीज़ें उसमें से आती होंगी, कोई एक आधी चीज़ ही बचेगी जो आपको नहीं आती होगी, फिर उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो 6 महीने तो किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी के साथ करते रहो, तभी रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूथ की बुक के जो सेशंस हैं वो जल्दी शुरू करूँगी, थोड़ा सा अभी भी ऐसा ही है, आज फिर थोड़ा फीवर के चक्कर में उतना नहीं हो पाता है, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 घंटा क्लास ही लेनी पड़ती है, उसके पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो EMRS TGT के 25 क्वेश्चंस कराए थे वो NVS TGT के पेपर में आए हुए थे, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग ज़रूर करना। और उसका दूसरा सेशन भी बनेगा, बस PPT वगैरह बनानी पड़ेगी मुझे, तो उसमें काफ़ी टाइम यूज़ होगा, देन आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो आप NVS TGT के लिए, सॉरी EMRS TGT के लिए वो क्वेश्चंस भी करो जो यूट्यूब पर करा रही हूँ, 25 क्वेश्चन 25 कॉन्सेप्ट्स, और प्लेलिस्ट में बहुत कुछ कराया हुआ है, उन प्लेलिस्ट को जा कर के देखो अपने सिलेबस के हिसाब से, चाहे आप किसी भी TGT PGT की तैयारी कर रहे हो वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो करते हैं शुरू, मेरी भी कंटिन्यूटी टूटती है, अभी भी टूटी है ना, यूथ बुक कब शुरू की थी फिर टूटी थी कंटिन्यूटी, तो वही है बीच बीच में कुछ ना, कभी शादी है घर में, कभी कुछ है, कभी कुछ है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सबके साथ है। बस ये है कि हमें अपने आप को मैनेज करना है अपने हिसाब से। तीन चीज़ें बता दी हैं, या तो घंटों के हिसाब से, या आपको टॉपिक के हिसाब से, या डेली 100 क्वेश्चंस करने अगर आपको काफ़ी सारे बेसिक्स आते हैं तो। तो वही चीज़ इंप्रूवमेंट लानी है, और एक अपना रजिस्टर बना लो जिसे आप रिवाइज कर पाओ, उसमें बस वही चीज़ें लिखना है जो आपको नहीं आती है, जो आपको याद नहीं रह पाती है, ठीक है। वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है भाई। तो मिलेंगे फिर जल्द ही किसी नए सेशन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ में और बनाऊँ।